ये तो हनुमान जी की चित्कार है। अकस्मात क्या हुआ उन्हें? प्रभु, विभीषण जी, विभीषण जी, प्रभु, 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 श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्रभु, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी का अकस्मात ही कहीं लुप्त हो जाना, शीश में ये विचित्र से पीड़ा का होना, ये अवश्य ही किसी का छल लगता है। हाँ, किसी ने छल ही किया है। वो जो भी था, विभीषण जी जैसा दिखाई दे रहा था। अवश्य किसी मायावी ने पहले विषाद धूम्र से हम सबको अचेत किया। इसीलिए हम सभी के शीश भारी हैं। फिर उसने मेरा रूप धारण करके हनुमान को भ्रमित किया। विभीषण जी, आप यहाँ? राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया। मैं पूर्णतया सजग था, फिर भी ये अनर्थ। मैं सतर्क था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में अधिक आत्मविश्वास आ गया था, या मैं अहंकार के वशीभूत हो गया था। मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं स्वयं रहूंगा। इसीलिए मैं सत्य नहीं देख सका। नहीं हनुमान, तुम किसी को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देख पाते। तुम्हारे सरल हृदय होने का लाभ उठाया है किसी मायावी राक्षस ने। मैं वानर हूं, वानर बुद्धि है मेरी, इसीलिए वो इतनी सहजता से मेरे साथ छल करके चला गया। वो मायावी राक्षस। जबकि ऋषिवर अगस्त ने संभावित संकट के लिए चेतावनी भी दी थी। आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहाँ आया हूँ। फिर भी माया से भ्रमित हो गया मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, क्या कर बैठा मैं। जय माता महामाया। माता, मैं आपके चरणों में अर्पित करने के लिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भेंट लाया हूं। Thank you.
जय माता महामाया। माता, आपके मायावी धागों के प्रभाव से ये दो रघुवंशी तब तक निद्रित रहेंगे जब तक कि इन दोनों की बलि चढ़ाने का समय नहीं आता। मैं महिरावण ब्रह्मा एक नई सृष्टि का रचयिता बन सकता हूं। माता, मैं आज आपको ऐसी बलि अर्पित करूंगा जैसी इस संसार में किसी ने भी किसी को अर्पित ना की होगी। ये मात्र भावी चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं अपितु इन्हें सब नारायण का अवतार मानते हैं, और यदि ये सच है तो ऐसे नर के शीश की बलि चढ़ाने का अर्थ है मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति। इस महिरावण को ब्रह्म पद की प्राप्ति मिलेगी। जय माता महामाया। अब जब प्रभु ही नहीं रहे तो इस युद्ध का क्या अर्थ? सब समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी को भी छल गया कोई मायावी। क्या होगा अब? क्या होगा अब? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा अब? क्या होगा? शांत हो जाओ शांत। ये समय इन बातों का नहीं। हमें शीघ्र यथाशीघ्र विचार करना होगा कि ये कार्य किसने किया है, और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को कहां लेकर गया होगा। कहीं ये कार्य स्वयं रावण ने तो नहीं किया? प्रातः रावण महामायावी तो है, किंतु वो दंभे इतने अधिक हैं कि जाते जाते अपनी पहचान से अवश्य अवगत करा जाते। किंतु मेघनाद और विद्युत जीवा जैसे महामायावी राक्षस तो मारे जा चुके हैं, अब कौन ऐसा मायावी बचा होगा जो ऐसा कृत्य सफलता पूर्वक करके चला गया। वो जो भी है उन दोनों से भी बड़ा मायावी है। हम सबको अचेत किया, हनुमान से वार्तालाप करी, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को ले गया और कोई चिन्ह तक नहीं छोड़ा। ये क्या हो गया? हनुमान, आशा है प्रभु श्री राम कुशल होंगे। यदि उस मायावी ने प्रभु के साथ कुछ भी अनर्थ किया तो मैं संपूर्ण वानर सेना के साथ इस लंका के समुद्र में डूब के अपने प्राण दे दूंगा। हनुमान, सारा दोष मेरा ही है, मेरे कारण ही प्रभु पर यह संकट आया। हनुमान, निराशा मिलने वाली सफलता को भी असफलता में परिवर्तित कर देती है। उठो, एक नवीन स्फूर्ति के साथ प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को ढूंढने में जुट जाओ। तुम ही तो सारी वानर सेना का आधार हो। तुम टूट गए तो कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। हनुमान, सत्य कह रहे हैं जामवन जी, गरुड़ जी को लेकर आने वाले, मुझे मेघनाथ के नेत्रों के समक्ष ले जाने वाले, संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर लाने वाले महावीर हनुमान इस प्रकार से इतनी शीघ्र परास्त नहीं हो सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ कुछ अनिष्ट हो उसके पूर्व आप उन्हें उस राक्षस के चंगुल से निकालकर अवश्य ले आएंगे। हनुमान, अवश्य ले आएंगे। संकट मोचन महा
हनुमान। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही राम सर जाप धर। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। मनोजवं मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शिरसा नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। जामवंत मामा, संकट काल में भयभीत होकर बैठने वाले विजय प्राप्त करते करते भी पराजित हो जाते हैं। संकटों का सामना करने से ही विजय की प्राप्ति होती है। हनुमान से हुई भूल को अब हनुमान ही सुधारेगा। पृथ्वी आकाश पाताल जहां भी वो मायावी राक्षस प्रभु को ले गया होगा, हनुमान वहां से सकुशल प्रभु को लौटा कर लाएगा। किंतु वो मायावी कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ के गया कि वो प्रभु को कहां लेकर गया है। कैसे ढूंढ कर लाओगे प्रभु को? ऐसी स्थिति में तो मात्र दिव्य योग शक्ति ही कार्य कर सकती है। जगत में विस्तारित ऊर्जा के साथ अपनी एकीकृत ध्यान को जोड़कर यदि प्रभु का स्मरण किया जाए तो प्रभु के विषय में अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु इस समय कहां है। किंतु ये कार्य तो कोई सिद्धि प्राप्त महायोगी ही कर सकता है। भोले बाबा की कृपा से मैं ये कार्य कर सकता हूं। अपनी दिव्य योग शक्ति जागृत करके मैं ऊर्जा के साथ संसार के कोने कोने में झांक कर देखूंगा। प्रभु को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। तुम कुछ भी कर लो वानर, अपने प्रभु को न ढूंढ पाओगे और न ही बचा पाओगे। क्योंकि मेरा पाताल लोक इस संसार की किसी भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ की ऊर्जा का स्रोत मात्र यही है जो किसी के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। मुझे अब उस मूर्ख और भावुक हृदय वाले वानर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो माता महामाया के चरणों में राम एवं लक्ष्मण की विधिवत बलि चढ़ानी है और इसके लिए मुझे व्यवस्था करनी होगी। हाँ, जय माता महामाया। श्री राम।
श्री राम, 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 श्री राम। कहीं उस मायावी ने अपने क्षेत्र को योग से अलक्ष्य ना बना रखा हो। हनुमान के रोम रोम में बसते हैं प्रभु श्री राम। हनुमान तो प्रभु को ढूंढ ही निकालेंगे। संसार में कहीं भी कोई भी प्रभु श्री राम का नाम लेगा, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, योग शक्ति से हनुमान की दिव्य दृष्टि शीघ्र ही वहां पहुंच जाएगी। श्री राम, राम एवं लक्ष्मण को बलि के लिए लेकर गया है वो। हमें शीघ्र ही दो हृष्ट पुष्ट शूर वीर योद्धाओं का मांस भोजन के लिए मिलने वाला है। क्या हुआ हनुमान, प्रभु दिखाई दिए? किंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है कि कोई प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए ले गया है। हनुमान के रहते हुए कोई भी प्रभु का अनिष्ट नहीं कर सकता। जय श्री राम। कौन और कहां लेकर गया है प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को? तुम बच के कहां भाग रहे थे हनुमान से? ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत मारिए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। एक गरुड़ वो पुण्य आत्मा जटायु थे, जिन्होंने माता सीता के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। जटायु जी स्वर्ग सिधार गए? जीवन का अंत होते होते भी उन्होंने माता सीता के बारे में बताया। और एक तुम हो, उन्हीं के पति प्रभु श्री राम और उनके भाई भैया लक्ष्मण का हरण होते हुए देखते रहे और अब उन्हीं का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। लज्जा नहीं आनी चाहिए तुम्हें? राक्षसों की नगरी लंका में रहते रहते हमारी वृत्ति भी राक्षसों की ही हो गई है। भूख लगते ही मांस को ढूंढते हैं हम, फिर चाहे वो किसी का भी हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम बता दोगे कि प्रभु श्री राम एवं भैया लक्ष्मण कहाँ पर हैं। उन्हें बलि के लिए मही रावण ले गया है। महापाताल लोक में रहता है वो। उसकी मायावी नगरी के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं कि वो कहाँ है। किंतु कोई तो उपाय होगा वहाँ पहुँचने का। धरती के भीतर सात तलों को खोदकर
वहाँ जाने में बहुत समय लगेगा। यदि आप सात परतों को भेद कर वहाँ पहुँच भी गए तो उस मायावी नगरी को ढूंढना सहज ना होगा। आप स्वयं भी वहाँ खोकर भटक सकते हैं। कोई तो मार्ग होगा वहाँ पहुँचने का। है एक मार्ग जिससे आप सीधा महिरावण के नगर में प्रवेश कर सकते हैं। तो शीघ्र बताओ कैसे पहुंच सकते हैं वहां। प्रभु श्री राम के प्राण संकट में हैं। शीघ्र बताओ, सबसे छोटे मार्ग से ही पहुंचना होगा मुझे वहां। शीघ्र बताओ तुम। पाताल कमल ही एकमात्र छोटा मार्ग है वहां पहुंचने के लिए, लेकिन ये मार्ग जितना छोटा है उतनी ही कठिनाइयों एवं विपत्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि उस मार्ग का आरंभ लंकेश रावण के शयन कक्ष से होकर होता है। प्रभु की रक्षा के लिए मैं किसी भी विपदा का सामना करूंगा। गहन निद्रा में है राक्षस राज रावण। ये क्या, महारानी मंदोदरी तो जाग रही हैं। कहीं इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी मुझ पर, नहीं तो संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा पुत्र महिरावन। अच्छा हुआ जो ये किसी गहन विचार मंथन में खोई हैं और इनकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। अब शीघ्र ही मुझे उस पाताल कमल को ढूंढना होगा। बलि प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही महिरावण तक पहुंचना आवश्यक है। यहाँ कमल की आकृति की तो अनेक वस्तुएं हैं, पाताल कमल कौन सा है, कैसे ज्ञात होगा, है कैसा ये पाताल कमल, कहाँ है ये, कहाँ छिपा कर स्थित किया है रावण ने पाताल कमल को। अब कुछ भी हो जाए किंतु महिरावण को प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया की बलि नहीं चढ़ाने दूंगा मैं। जय माता महामाया, माता आपकी जय हो। जल का पात्र रिक्त क्यों है? बहन दुर्दुभी, कहाँ हो तुम, मेरे समक्ष उपस्थित हो। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। दुर्दुभी, तुम्हें बलि विधि की व्यवस्था का संपूर्ण कार्य मैंने सौंपा था, तो ये जल का पात्र रिक्त क्यों है? कहाँ है मोह नदी का जल? मुझसे भूल हो गई। मुझे क्या भूल हो गई? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? यदि मैं चाहूं तो नरबलियों के लिए इन दोनों के स्थान पर तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी
बलि चढ़ा सकता हूँ। और तुम ये जानती हो कि महिरावण ऐसा कर सकता है ना बहना? हाँ, जाओ और जाकर जल लेकर आओ। मुझे शीघ्र अति शीघ्र महानतम बनना है, महानतम बनना है, महानतम बनना है। हे प्रभु, इसकी ये बलि विधि कभी सफल ना हो, न जाने कब इस दुष्ट को दंड देने के लिए कोई आएगा। पाताल लोक को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करें। जय श्री राम। ये औंधा हुआ कमल कक्ष के ऊपरी भाग में, अवश्य ही ये पाताल कमल है। अधिक समय नहीं है मेरे पास। दुष्ट महिरावण प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को कोई भी क्षति पहुंचाए, उसके पूर्व पाताल कमल में प्रवेश कर उसे रोकने उसके समक्ष पहुंचना होगा मुझे। दुर्दुबे जब तक जल लेकर लौटे, तब तक मैं पुष्प अभिषेक और गुलाल अभिषेक की विधि पूर्ण कर लूंगा। माता आपकी जय हो। जय माता महामाया। जय माता महामाया। जय माता महामाया। इसका ध्यान भटक गया है, यही उचित समय है। मुझे शीघ्रता से पाताल कमल में प्रवेश करना चाहिए। स्वामी, ये हमारे कक्ष में हृदय को कंपित कर देने वाला वायु प्रभाव अचानक कहां से उत्पन्न हो गया? महारानी मंदोदरी, सदैव सशंकित और भयभीत क्यों रहती हैं आप? त्याग दीजिए अपनी ये चिंता। महिरावण की शक्ति हमारा कोई अहित नहीं होने देगी। महिरावण की शक्ति पर इस दुष्ट को इतना घमंड? रण रहे हनुमान जी, यदि रावण ने कमल का रंग परिवर्तित होते हुए देख लिया
तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि कोई पाताल कमल में प्रविष्ट हुआ है और वो महिरावण को शीघ्र ही बलि पूर्ण करने का संदेश पहुंचा देगा। मायावी जगत में अब किस सुरंग में प्रवेश करे हनुमान? किसी नवीन छलावे में आकर भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ ये कहां गिरा जा रहा हूं मैं? कहीं उस गरुड़ ने मुझे यहां भेजकर किसी जाल में तो नहीं फंसा दिया? महिरावण को रोकना मेरा एकमात्र उद्देश्य है और किसी भी अवरोध को मिटाने का समय कहां है मेरे पास? मोह नदी के जल के बिना मैं जल अभिषेक नहीं कर सकता, अन्यथा मैं अपनी विधि प्रारंभ कर चुका होता। कहां रह गई दुर्दुभी? उसने यदि अधिक विलंब किया तो मैं उसे और उसके परिवार को कठोर दंड दूंगा। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपने मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना, हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। कैसे अंत होगा इस महादुष्ट महिरावण का? Shri Ram!
कौन है ये वानर? एक दुष्ट प्रवृत्ति वानर प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है। इसका वध करेंगे हम। घेर लो इसको। चलो। आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मेरे प्रभु और भ्राता लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए मेरे कार्य में जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा उसका अंत करूंगा मैं। देखो, ये मक्खी जैसा वानर सी के समान दहाड़ रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। तुम्हें तो हम चींटी की भांति मसल कर रख देंगे दुष्ट वानर। जय श्री राम। अच्छा, और अब तुम्हारी माया हमें भयभीत नहीं कर सकती, ऐसी माया तो बालक भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब देखते हैं तुम कैसे दिखाते हो अपनी माया। इनसे उलझकर और समय व्यर्थ नहीं गवा सकता मैं। सामने तो बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, अब कहां गया तुम्हारा पराक्रम वानर? नारी के समक्ष पराक्रम दिखाना वीरों को शोभा नहीं देता माता। माता? माता कहां मुझे? शीघ्रता करो।
शीघ्र पकड़ो उसे, अंत कर दो उसका। नहीं, इनके साथ संघर्ष कर और विलंब नहीं कर सकता मैं। देवी दुर्दुभी, हमारे सही सैनिकों को भयाक्रांत करने वाले उस वानर ने आपको भी आतंकित किया है क्या? यदि आपने उसे देखा है तो हमें शीघ्र बताइए कहाँ है वो। वहां उस ओर माता ने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्यों बचाया? संकट चाहे कितना भी विकट क्यों ना हो, परंतु हमें पराजय स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपितु सूझबूझ से उसका सामना करना चाहिए।